जीजीबीएल का ये पहला चौथा क्वार्टर फाइनल मैच और तीसरे दिन का पहला मैच। इस बार शॉर्ट स्पिन विकेट की दिशा में स्टोक को खेलकर एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। बस शॉर्ट अम्पुल शॉक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, दो बहुत ही ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है यंग स्टार से इलेवन के कप्तान की ओर से। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस स्टॉक खेला सीरी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर खुद फील किया गया राम अवतार की ओर से। पहले तीन ओवर वैसे भी बहुत ही निर्णायक ओवर रह गए यंगस्टर और गौतम फाइटर्स इलेवन के लिए। बाकर शो खेला जरूर था बल्लेबाज ने शॉर्ट स्टर्टमैन के स्थान के ओवर, और जब तक इनको फील किया जाए फील्डर की ओर से एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यंगस्टर का दो रन। रविकांत और अनिल की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ओवर यंगस्टर के लिए। इस बार शॉर्ट बैकवर्ड्स का लेकिन दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए विकेट कीपर की ओर से और थ्रो दिया जाए लेग बाय कैच बीच हिस्सा अंपायर संकुर की ओर से। एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीन रन। शॉर्ट स्पिन विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अंकुर पटेल की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है चार रन। अंपायर की जो सेवा है अंकुर गांधी और विरल पटेल भिंपोर की ओर से दी जा रही है, और गेंदबाजी की जिम्मेवारी रघुवीर उपाध्याय ने भी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। वैसे भी जीजीपीएल की अगर इतिहास को छोड़ा जाए या छंझेड़ा जाए तो तीन ओवर में तीन रन देकर छह विकेट लेने वाले अकलौते गेंदबाज है कप्तान रघुवीर उपाध्याय। इज अलोंग बॉलर इन दिस कॉम्पिटिशन। इस बार कर शो खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। कुल मिलाकर 19 गेंदें फेंकी गई और 19 गेंदों के ओवर केवल तीन रन अभी तक खर्च किए हैं गेंदबाज की ओर से। पिछली मैच को देखा जाए और इस मैच की अगर मद्देनजर रखा जाए एक बहुत ही कंसिस्टेंट लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है रघुवीर उपाध्याय की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला और दो फील्डर्स के बीच में सीधे डीप इस एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर क्रिकेट कॉपी बुक स्ट्रोक खेले जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यंगस्टर का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच रन। फील्डर बीच बीच अदलाबदली की जा रही है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से, और ऑफ साइड के क्षेत्र में एक शॉट इस सर्वमैन शॉट पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर डीपी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉट इस मिड ऑफ। आई बहुत ही बेहतरीन शो को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। बहुत ही बेहतर टाइम जिसको कहा जाना चाहिए। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यंगस्टर का नौ रन। ऊपरी क्रम वैसे भी बहुत ही मजबूत है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है रविकांत के ऊपर कप्तान यंगस्टर की ओर से कि पहले टूर्नामेंट का फाइटिंग स्कोर बनाया जाए। ऑन साइड के क्षेत्र में जो फील्ड है कप्तान रघुवीर की ओर से एक शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग शॉर्ट इस मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और बार डाउन द ग्राउंड शो को खेला बल्लेबाज ने, बहुत ही खूबसूरत शो को खेला गया है और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। छी वैसे भी पारी खेली जा रही है यंगस्टर के
एक ओवर से वह स्टार बल्लेबाज रविकांत की ओर से इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है यंगस्टार 11 का 13 रन। 13 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पारी के दूसरे ओवर में छोटे लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है सलामी बल्लेबाज रविकांत की ओर से। बार फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और जब तक इनको फील किया जाए फील्डर की ओर से 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यंगस्टार का 14 रन। फील्ड में थोड़ा चेंज किया जा रहा है शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा आगे बुला लिया गया है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। बार वाइट का इशारा अंपायर अंकुर गांधी की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 15 रन। दो बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है यंगस्टार के फ्रेंचाइजी ओनर और कप्तान की ओर से। ये फिर से वाइट का इशारा अंपायर की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 16 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का सही फैसला यंगस्टार 11 के कप्तान की ओर से। 16 रनों की बहुमूल्य साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। को खेला बल्लेबाज ने वाइड इस नॉन के स्थान के ऊपर खूबसूरत फील्डिंग वहां राजू की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन पूरे किए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अंकुर गांधी की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। जीजीपीएल का एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड एनके पटेल क्रिकेट ग्राउंड भैसाण के ऊपर। फील्डर्स को अब जो शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से अब इस स्टेटिस में नॉन शामिल किया जा रहा है। पहले फील्डिंग कर रहे थे वाइडी सॉन्गन बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच राम अवतार ने संभाल रखी है खुद ही महत्वपूर्ण गेंदबाज माने जाते हैं गौतम फाइटर्स 11 के लिए। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने कौन जरूर मिल रहा है उनको आउट स्विंग और इन स्विंग गेंदबाजी कई बार कही की गई और यही परिस्थिति का निर्माण भी करना है राम अवतार को गौतम फाइटर्स 11 के लिए कि कम से कम रनों के ऊपर समेटा जाए यंगस्टार की एक बहुत ही मजबूत टीम को। और इस बार खूब आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से राम अवतार की ओर से कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था वहां पॉइंट और गली के बीच में से पॉइंट पहले से शामिल की गई है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। शॉर्ट इस सर्वमैन शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट इस मिड ऑफ के स्थान के ऊपर कप्तान उसके ठीक पीछे इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए डीपी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार को हल्का सा फ्लिक स्ट्रोक खेला जरूर था बल्लेबाज ने शॉर्ट इस बैकवर्ड स्क्वायर के स्थान के ऊपर। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यंगस्टार का 19 रन। पारी का 3रा ओवर चल रहा है कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। डाउन तक रन शो को खेला बल्लेबाज ने खूबसूरत फील्डिंग वहां फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है और हौसला काफी बुलंद रखा जा रहा है गेंदबाज का ऐसी फील्डिंग की जाए जो की जा रही है शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। काफी महत्वपूर्ण ओवर साबित होने जा रहा है गौतम स्टार फाइटर्स के लिए। और इस बार फ्लिक शो खेलने की कोशिश गेंद गई शॉर्ट इस सर्वमैन के स्थान के ऊपर जब तक गेंद को विकेट कीपर की ओर से फील किया जाए। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 20 रन। पारी का ये 3रा ओवर चल रहा है बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है बहुत ही लीजेंड से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। ये खूबसूरत गेंद जिसको कहा जाना चाहिए कट स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास जरूर की गई थी अनऑर्थोडॉक्स उछाल
बाइक इस बीच इशारा अंपायर अंकुर गांधी की ओर से। ओवर की इस बीच समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21। पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। टूर्नामेंट का बहुत ही निर्णायक ये मैच चल रहा है। सूरत की बहुत ही लोकप्रिय टूर्नामेंट है जीजीपीएल 4। मैच का सीधा लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। इंडिया और इंडिया के बाहर जिसको कहा जाना चाहिए, 192 कंट्रीज इस मैच को देख रही है। फील्डिंग सीजन अब समाप्त हो चुका है गौतम फाइटर्स और यंगस्टर के लिए। फिर इस प्रकार है, कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से एक शॉट फाइल लेग डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसको हाफ पे रखा जा रहा है कि कोई शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला जाए, हुक स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। एक डीप स्मिथ विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई स्लॉग सी स्ट्रोक खेली जाए और एक वाइड स्लॉग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर कप्तान रघुवीर उपाध्याय। शॉर्ट स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग और खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ऐसे भी पिछली 7 गेंदें बहुत निर्णायक रही है। पिछली 7 गेंदों के ऊपर केवल 3 रन खर्च किए गए हैं। राजू को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से गौतम फाइटर्स 11 के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त कैच, सच ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय द शॉट इज एक्स्ट्रा कवरेज एंड आउटस्टैंडिंग कैप्टनशिप बाय कप्तान रघुवीर उपाध्याय। निरंजन ने कैच लिया है शॉट इज एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। ये श्रेय जा रहा है पूरी तरह से कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर, जहां गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया, राजू को शामिल किया गया, वहां एक सफलता मिली है। विकेट टेकिंग इन रेगुलर इंटरवल्स। अब जीतू को शामिल किया जा रहा है। इसे भी अच्छे रन उनकी ओर से भी बनाए गए हैं यंगस्टार के लिए, और वही फिर से जिम्मेवारी सौंपी गई यंगस्टार के कप्तान की ओर से रविकांत के आउट होने के बाद, कि पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाया जाए। और ये बहुत ही अच्छी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, एक अनइवन बाउंस इसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज सुनील राजू की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 21, 21 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही डिफेंसिव फील्ड की सजावट की गई है कप्तान रघुवीर की ओर से। 4 फील्डर्स ऑन साइड के क्षेत्र में, 5 फील्डर्स ऑफ साइड के क्षेत्र में। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। इसे विकेट जरूर ले चुके हैं, हौसला काफी बुलंद है क्योंकि जीजीपीएल का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। चाहिए कि छोटी लेकिन एक बहुत ही निर्णायक साझेदारी की जाए दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। लगातार लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। एक बहुत ही टॉप क्लास गेंदबाज को शामिल किया गया है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से गौतम फाइटर्स 11 के लिए। बहुत ही लंबे कद की गेंदबाज है, हाइट एडवांटेज भी लिया जा रहा है। और ये बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद, ये मेडियन ओवर फेंका गया है। क्वार्टर फाइनल में मेडियन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं गेंदबाज राजू। सच आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस इन क्वार्टर फाइनल बाय राजू। कुल मिलाकर ये ऐसे चौथे गेंदबाज है जीजीपीएल 4 में जिन्होंने मेडियन ओवर फेंके हैं। लगातार बातचीत होने जा रही है कप्तान रघुवीर और गेंदबाज के बीच। समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन।
शॉर्टेज एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर शॉर्टेज पॉइंट को पीछे भेजा जा रहा है डीप इस पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड इस लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर बहुत ही फैलाई फील्ड रखी है। ये इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप इस एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर और गेंद रुकी जरूर थी वहां पे एक गलती जिसको कहा जाना चाहिए फील्डर की ओर से सच अ वेरी बिग मिस्टेक बाय द डीप इस एक्स्ट्रा कवर फील्डर्स। थोड़े से नाखुश जरूर है वहां पे बहुत ही विश्वसनीय पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 25 रन। थोड़ी से नाखुश जरूर है वहां पे इस बार पॉइंट के साथ कवर के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। एक रनों के बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। पारी का पांचवा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अनिल और जीतू की बहुत ही निर्णायक पारी बल्लेबाजी के ऊपर। और इस बार गली की दिशा में स्ट्रोक को खेला जब तक इनको फील किया जाए पॉइंट के फील्डर की ओर से बहुत ही लंबा एरिया कवर करना पड़ा था डीपी पॉइंट के फील्डर की ओर से। 27 रन पारी का पांचवा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत ही सुचारू पारी खेली जा रही है दोनों बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे वाइड स्लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब गेंद को फील किया जाए एक ही रन खूबसूरत फील्डिंग वहां पे वाइड स्लॉग ऑफ के फील्डर की ओर से। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 यंगस्टर का। कवर काफी आगे है सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर और इस बार बहुत दूर से स्ट्रोक को भी खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। इस बार देखना पड़ेगा वहां पे थ्रो सही नहीं दे पाए वहां पे हल्की सी एक वाइडी थ्रो फेंक गई। तीस रन पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूरी थी वहां पे डीपी से एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए ओवर की भी समाप्ति अंपायर अंकुर गांधी की ओर से। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 31 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रति ओवर 6 रन बनाया जा रहा है यंगस्टर की ओर से। इस बार डीप इस मिड विकेट के लिए समय स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और 2 रन की कॉल जरूर है और जब तक गेंद को फील किया जाए। अच्छी आपसी समझबूझी दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 33 रन। बहुत ही मूल्यवान पारी खेली जा रही है जीजीपीएल के आज के पहले मैच में और टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। और इस बार शॉर्टेज सर विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई शॉर्टेज सरमेन के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को राम अवतार की ओर से फील किया जाए पहली 2 गेंदों के ऊपर 3 रन मतलब 150 की स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जा रही है। इस मुकाबले के बाद जो दूसरा सेमीफाइनल है जैसाना फाइटर वर्सेस नाबरिया ब्रदर्स उन दोनों के बीच होगा तो दोनों टीमें तैयार रहे इस इनिंग के बाद उनका टॉस होने वाला है।
इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप इस मिडविकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए इस बीच दो, इस बार देखना पड़ेगा वहां पे दो रन इस बीच पूरे एक एक है। जी आपसी समझ बूझी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में क्रूशियल रनिंग बिटवीन विकेट, लगातार एक प्रेशर दिया जा रहा है फील्डर के ऊपर और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। कई ढेर सारे रन बनाए भी गए हैं गौतम स्टार यंग स्टार के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी सेक्शन कवर के स्थान के ऊपर, एक लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से। यस, पैर जो रोप है उसकी ओवर टच हो गया वहां पे। दूसरी लगातार ये गलती की जा रही है कि फील्डर की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 42-42 रन, 40 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। जी वैसे भी साझेदारी की जा रही है, दियर इज वेरी इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फॉर यंग स्टार। बार फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला था बल्लेबाज ने शॉर्ट बैक स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर, गेंद गई विरल पटेल की ठीक दाहिनी पीछे की ओर। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। खुशी से की जा रही है दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से कि वैसे भी क्वार्टर फाइनल मैच में एक फाइटिंग स्कोर बनाया जाए। ये बहुत ही बेहतरीन शो को खेला और ये गेंद दे बैठे वहां पे डीपी स्मिथ विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्लॉक्सीप शो खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। सूर्य प्रकाश इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, एसबी को अब शामिल किया जा रहा है यंग स्टार के कप्तान की ओर से। बहुत ही दिग्गज और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। फील्डिंग अब बहुत ही अव्वल दर्जे की जा रही है। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41-41 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच कप्तान रघुवीर उपाध्याय ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। वैसे बहुत निर्णायक मोड़ के ऊपर मैच है। इनसाइड आउट शॉट खेला जरूर था बल्लेबाज ने और सीधे डीपी सेक्शन कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत पंच शॉट खेला गया था बल्लेबाज की ओर से क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप था वहां कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, सच इज अ वेरी बिग गैप और वही गैप को ढूंढा गया, फाउंड अ गैप बाय द बैट्समैन एंड इज मेड एज अ फॉर एज अ वैल्यूएबल रन फॉर यंग स्टार। नाउ यंग स्टार इज रीचिंग 45। ये इस बार स्टॉप डिलीवरी जिसको कहा जाना चाहिए, स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी गई थी वहां रघुवीर उपाध्याय की ओर से। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46-46 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अनिल अभी भी बल्लेबाजी के ऊपर, इस बार डाउन द ग्राउंड शो को खेला बल्लेबाज ने वहां वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए राजू की ओर से 47-47 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ही 7वां ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एसपी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, इस बार बिंदी गेंद फेंकी गई वहां पे गेंदबाज की ओर से, किसी आउटस्विंग गेंदबाजी की गई है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। स्कोर रुका हुआ, पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 47, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और ये कैच हो सकता है वहां पे, पॉसिबल फॉर द कैच, या ये इजी कैच छोड़ा गया वहां फील्डर की ओर से। इस फील्डर का वैसे गेंद पीछा नहीं छोड़ रही है, मतलब ये तीसरी बार ऐसा रहा है। दो महत्वपूर्ण रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, और एक कैच भी छोड़ा गया वहां पे। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फील्डिंग साइड। एसपी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, और ये फिर से कोई प्रयास नहीं है वहां पे फील्डर की ओर से। और जब तक गेंद को फील किया जाए, दो रन इस बीच पूरे किए गए और दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 51। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर शंकर गांधी की ओर से, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51, 51 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्री महर्षि गौतम गुजरगोड ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित GGPL4 क्रिकेट प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, सेमीफाइनल मुकाबला होगा, जैसाड़ा फाइटर वर्सेज नावरिया स्पोर्ट्स के बीच। दोनों टीम के कप्तान रेडी रहे, एक इनिंग पूरी होने के बाद टॉस किया जाएगा, तो दोनों टीमें तैयार है अपने कप्तान के साथ। इस GGPL4 में हमें जिन्होंने योगदान दिया है, मेघराज जी पंचारिया, भवानी शंकर जी पंचारिया, रमेश जी खटोड़ दोषी, कैलाश जी पंचारिया, रघुवीर जी उपाध्याय, ये कोर कमिटी के मेंबर हैं जिन्होंने हमें योगदान दिया है। आयोजन समिति के अंदर जवाहरलाल जी नावरिया, प्रेम जी जोशी, महावीर जी उपाध्याय, महेश जी उपाध्याय, गोपाल जी स्रोती और गौतम स्पोर्ट्स की टीम, और जल सेवा दिए सिवाल परिवार गोठड़ा, चाय की सेवा यंग स्टार की तरफ से, टॉस का बॉस दिनेश नावरिया और साउंड सिस्टम सुरेश जी जोशी। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज राम जी ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। दो विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइडीसी और फेंकी गई है वहां, बाएं हाथ से ओवर दे राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज राम अवतार की ओर से, एक बहुत ही दिग्गज गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। और इस बीच बिंदी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, गेंदबाज की ओर से हल्की सी गुडलाइंस की ऊपर से उछाल, एक दोहरा उछाल जिसको कहा जाना चाहिए, वैसे भी बहुत ही कठिन है टेनिस क्रिकेट में, काफी महत्वपूर्ण है। ओवर में गेंदबाजी की जा रही है, बॉलिंग कंसिस्टेंट लेन, और इस बार एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए कप्तान रघुवीर की ओर से, और बहुत सुस्ती चुस्ती जरूर दिखाई गई वहां रघुवीर उपाध्याय की ओर से। 53-53 रन, पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान रघुवीर की ओर से राम अवतार के ऊपर, और इस बार बाहर निकलकर कल स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास किया गया था बल्लेबाज की ओर से। ये बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है, बॉलर इज बॉलिंग इन राइट लेन एंड राइट एरिया। अनुभव का वैसे भी पूरा निचोड़ दिया जा रहा है राम अवतार की ओर से गौतम फाइटर्स 11 के लिए। और ये फिर से उसी दिशा में हल्की सी आउट स्विंग गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति इस बीच बहुत ही नई ओवर समाप्त किया गया है राम अवतार की ओर से। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। दोनों बल्लेबाज की ओर से ये सोचा भी जा रहा है बल्लेबाज
अनिल और बल्लेबाज एसबी की ओर से कि चार ओवर में कौन से गेंदबाजों की कितनी ओवर आना शेष है। इसके बाद का वैसे भी बहुत ही निर्णायक मैच है जीजीबीएल 4 में फर्स्ट सेमीफाइनल जैसाना फाइटर्स वर्सेस नाबर या ब्रदर्स 11 के बीच। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्टोक को खेला बल्लेबाज ने, इस बार देखना पड़ेगा वहां पे और बहुत ही तेज रन फेंका जा रहा है। अच्छा बैकअप वहां पे साथ ही फील्डर की ओर से, एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। बहुत ही फैला ही फील है ऑन साइड के क्षेत्र में, दो फील्डर सर्कल के अंदर, दो फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड के क्षेत्र में। और इस बार पिंडी गेंद वहां पे स्लोअर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, रिलीजिंग पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है गेंदबाज, जो लैंडिंग पॉइंट है गेंदबाज की ओर से कि पहले बल्लेबाज की शारीरिक भाषा को देखा गया, काफी आगे अंदर आकर आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था और ऑफसाइड के क्षेत्र में गेंदबाजी की गई है गेंदबाज की ओर से। और ये बहुत ही बेहतर, ये इस बार देखना पड़ेगा ये कैच ही है भाई, ये कैच छोड़ा गया वहां पे फील्डर की ओर से। वैसे भी जो फील्डर्स फील्डिंग कर रहे हैं राजू, वो वाइडिस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। ये जो स्ट्रोक खेला गया है ये स्टेटिस मिडऑन के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया है। Such as a very big mistake by the fielders and captain of Raghuveer Upadhyay. इस छोर के ऊपर यहां जो चौका लगाया गया, ये चौथा चौका भी लगा चुकी है यंगस्टर 11। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक बल्लेबाज ने सीधे इस कवर बाउंड्री लाइन चुस्ती जरूर दिखाई गई है फील्डर की ओर से। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 59 पारी का ये नौवां ओवर चल रहा है। इस बार कैच आउट वहां पे विकेट कीपर की ओर से 59 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एसपी इस बीच आउट हुए हैं और एसपी के स्थान के ऊपर दूसरे एक पीच हिटर जेस को शामिल किया जा रहा है यंगस्टर। बाएं हाथ के जो बल्लेबाज है उनके लिए जो फील्ड की सजावट की गई है गेंदबाज की ओर से, इस प्रकार एक शॉट लॉन्ग लेग, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप इस मिड विकेट और वाइड इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर रघुवीर। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट इस कवर के स्थान के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए फील्डर की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर शंकर गांधी की ओर से, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंदें अभी भी शेष बची हैं। रघुवीर और राजू के बीच बातचीत होने जा रही है कि कैसी गेंदबाजी की जाए। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। वैसे भी क्वार्टर फाइनल मैच में मिडन ओवर फेंकने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है गौतम फाइटर्स 11 के लिए। दाहिने हाथ से उल्टी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज जेएस के लिए। एक फील्डर स्कोर शामिल किया जा रहा है शॉर्ट इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप इस मिड विकेट। इस बार भी गेंद वहां गेंदबाज राजू की ओर से, स्कोर रुका हुआ 60 रन। सभी दर्शक बाउंड्री से दूर रहे, कोई भी बाउंड्री को टच नहीं करें, सब दूर आ जाए, ये सब करो और मरो के मुकाबले
नॉकआउट मुकाबले हैं। एक मिनट आप दूर हट जाओ, थोड़ा दूर हट जाओ भाई, ग्राउंड से दूर हट जाओ, थोड़ा दूर हटो, थोड़ा दूर हटो, कान लगे पड़ जाए, मायने समझा करो, दूर हट जाओ भाई। ऑन साइड के क्षेत्र में चार फील्डर को शामिल किया जा रहा है। गेंदबाज राजू की ओर से एक शॉट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप इन विकेट और वाइड इज लॉन्ग ऑन। बैट विकेट के लिए समय स्टॉप को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए जमीन के जमानत पर छोड़ दी गई विकेट कीपर की ओर। सिक्सटी वन रन, तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। अनिल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर शुरुआत से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज है यंगस्टार के लिए। अब कोशिश ये की जाएगी उनकी ओर से कि जोखिम उठाया जाए यंगस्टार के लिए, और 80, 90 और 100 के बीच का आंक खड़ा किया जाए निर्धारित 12 ओवर की मैच में। ये कैच हो सकता है, वहां पे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर गेंद के नीचे गए और कैच छोड़ा गया उनकी ओर से एकदम बहुत ही आसान। ओके चालू साउंड सिस्टम। स्पर डाउन तक राउंड शो को खेला बल्लेबाज ने कप्तान रघुवीर की और वाइडी से लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए थ्रो दिया जाए, इस बीच दो रन पूरे किए गए बल्लेबाज की ओर से। अच्छी आपसी समझ बूझी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। दस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन, तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज रघुवीर उपाध्याय ने संभाल रखी है। हेलो, एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने तीन ओवर में तीन रन खर्च किए और छह विकेट लिए। रियल इज वेरी इकोनॉमिक बॉल एंड जीजीबीएल 4। जो फीलिंग चाहिए बहुत ही फेराई फील है, सच इज वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग सेट अप बाय कैप्टन। और खूबसूरत फीलिंग, वहां गेंद उछलकर सीधी स्पिनर्स के हाथ से डीप बेसमेंट विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 66 रन, 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है। अगर कोई अतिरिक्त गेंदें ना फेंकी जाए गौतम फाइटर्स की ओर से, पूरा दारोमदार बल्लेबाज अनिल के कंधों के ऊपर जा पहुंचा है। और ये कैच आउट वहां पे खूबसूरत, जिसको कहा जाना चाहिए सच इज अ वेरी लीडिंग विकेट टेकर इन दिस कॉम्पिटिशन। पिछले अगर दो मैचों की बात को छेड़ा जाए तो 7 विकेट लेने वाले अकलौते गेंदबाज है रघुवीर उपाध्याय। 7 विकेट
दो मैच में। कौन आया? नवरत्न को इस बीच अब शामिल किया जा रहा है यंग स्टार के कप्तान की ओर से। आप सब फिर से रिक्वेस्ट है, बाउंड्री से दूर रहें प्लीज, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, एक डेढ़ फुट आप अंदर रहे, बाउंड्री से बाहर। इस बार खूबसूरत है वहां पे, बहुत यस, पहले से ही बेल्स गिरा दी थी वहां पे। सच इज वंडरफुल डिसीजन इज गिवन बाय एक्सपीरियंस अंपायर शंकर गांधी। निश्चित रन रोके जरूर जा रहा है फील्डर की ओर से, क्योंकि आपके तीनों अगर फॉर्मेट मजबूत रहेंगे तो आप एक बड़े से बड़ा मैच भी जीत सकते हैं। फील्डिंग का क्षेत्र, गेंदबाजी का क्षेत्र और बल्लेबाजी का क्षेत्र, ये तीनों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है किसी एक बड़ी मैच में। जयेश को इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, फॉर्म के विरुद्ध जजूमना पड़ रहा है बैट्समैन, सकरिंग सकरिंग इस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच। फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से, और दो रन की कॉल है, जब तक थ्रो आए तब तक दो रन पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यंगस्टर 11 का 69-69 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर। ज्यादा चौके और छक्के भी चाहिए यंगस्टर के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। और इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फीड किया जाए, ढूंढा जाए, तब तक एक रन बीच बीच पूरा किया बल्लेबाज की ओर से। एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया विकेट की ओर। एक सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर शॉट इस सिली मिरोफ शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। अब चाहिए बल्लेबाजों को अधिक से अधिक रन बनाए जाए यंग स्टार के लिए। पीछे हटकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपीएस मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और दो रन की कॉल जरूर है वहां पे और थ्रो सही नहीं दे पाए फिर से। ये इसी ओवर में तीसरी बार रहा है जो थ्रो नहीं दे पाए फील्डर। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर चार विकेट के नुकसान के ऊपर। रघुवीर ने अपने कोटे के तीन ओवर समाप्त कर लिए हैं, राम अवतार ने कोटे के तीन ओवर समाप्त कर लिए हैं। सबसे अगर कोई निर्णायक अगर गेंदबाजी रही है और राम अवतार की ओर से रही है गौतम फाइटर्स के लिए। थ्री ओवर 9 रन 7 रन। छह बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदे हैं। जयेश को शामिल किया जा रहा है जो पिच हिटर्स भी है, वैसे ज्यादा टाइम लिया जा रहा है ये भी कहा जा रहा है अंपायर शंकर गांधी की ओर से कि उतना ज्यादा टाइम न लिया जाए। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 72, 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह गेंदों का खेल से जो फील्डिंग चाहिए, डिमांडिंग फील्डिंग सिचुएशन ये कप्तान की ओर से दी भी जा रही है गेंदबाज ओम प्रकाश को। और ये अंपायर को और से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसको कहा जाना चाहिए, जो व्हाइट सीमा है उसकी ऊपर से गेंद जरूर गई है, एकदम सही निर्णय अंपायर शंकर गांधी की ओर से। सच इज अ वेरी गुड डिसीजन इज गिवन बाय मेन अंपायर। ये वाइट का निश्चित इशारा अंपायर शंकर की ओर से
और स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 73-73 रन। लॉन्ग लेग बहुत ही वाइड से रखा गया है, शॉर्ट लॉन्ग लेग और विकेट कीपर के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप भी है बल्लेबाज के लिए, सच इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन विकेट कीपर एंड शॉर्ट लॉन्ग लेग। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला है, पहली बार जिसको कहा जाना चाहिए हाथ खोले जा रहे हैं बल्लेबाज जयेश की ओर से। एक रनों के साथ, छह रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 79-79 रन। पहले से टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला गया था, बाहर निकले अंदर की ओर से स्लॉग सिर्फ स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज जयेश की ओर से। अगले मुकाबले के टॉस के लिए जैसाना फाइटर और नाबरिया ब्रदर्स के दोनों कप्तान रेडी रहे। ये चेंज ऑफ पेस किया गया था गेंदबाज ओमजी की ओर से, स्कोर रुका हुआ 79। अच्छा वैसे भी कमबैक किया जा रहा है ओमजी की ओर से, फिर से एक बहुत ही निर्णायक गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से गौतम फाइटर्स 11 के लिए। जयेश की कोशिश है कि जो आने वाली गेंदे है उसके ऊपर से मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रोक खेले जाए। यस ओवर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत दूर से गेंदबाजी और एक अनुभव का पूरा निचोड़ भी दिया जा रहा है गेंदबाज ओमजी की ओर से। He have a lot of experience behind the tennis cricket. डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर और राम अवतार की ओर से। राम अवतार वैसे भी बहुत ही रीजेंट क्रिकेटर्स भी है, फील्डिंग कर रहे शॉर्ट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर। स्लोवर गेंद जरूरी थी वहां पे, एक ही रन, बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग वहां पे, सच अ वेरी एक्साइटिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय गौतम फाइटर्स। नाउ यंग साइड इज रीचिंग 80, एक स्टेटिस मिरोन शामिल किया जा रहा है कप्तान रघुवीर उपाध्याय फील्डिंग कर रहे हैं स्टेटिस मिरोन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार कैच आउट विकेट कीपर की ओर से, तो इनिंग इस बीच समाप्त रही है। मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है 81 गौतम फाइटर्स 11 को। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यह क्वार्टर फाइनल नंबर 4 और आज के दिन का यह पहला मुकाबला यंग स्टार वर्सेज गौतम फाइटर्स के बीच। टॉस यंग स्टार ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उनका स्कोर 80 रन बनाए हैं यंग स्टार ने और जीत के लिए 81 का टारगेट दिया है गौतम फाइटर्स के सभी योद्धाओं को। यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा गौतम स्पोर्ट्स के साथ जो कि दूसरा सेमीफाइनल होगा। और इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होने वाला है वो सेमीफाइनल नंबर 2 है जो जैसाना फाइटर वर्सेज नाबरिया ब्रदर्स के बीच होने वाला है। तो दोनों टीमों के कप्तान यहां पे आ जाए, नाबरिया ब्रदर्स के कप्तान और जैसाना फाइटर के कप्तान दोनों यहां पर आ जाए टॉस के लिए। जब तक ये इनिंग ब्रेक्स होती है तब तक टॉस हो जाना चाहिए, दोनों टीमें टॉस के लिए आ जाए। जैसाना फाइटर के कप्तान मेघराज जाजड़ा और नाबरिया ब्रदर्स के कप्तान ध्रुपद नाबरिया दोनों यहां पे आ जाए टॉस के लिए। जबरदस्त मुकाबला इसके बाद जो होने वाला है सेमीफाइनल, दोनों ही टक्कर की टीमें, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। अगर काल की 19-20 हुआ तो काई छेड़ दो।
दोनों टीमों के कप्तान जयशाला फाइटर के कप्तान मेघराज जाजड़ा और नाबरिया बर्दस्त के कप्तान ध्रुपद नाबरिया दोनों आ जाए। टॉस के बॉस दिनेश नाबरिया तैयार है जहां कहीं भी है। एट्टी वन का टारगेट दिया गया है यंग स्टार की तरफ से श्री महर्षि गौतम गुजरकोट ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता जीजीपीएल 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमान मेघराज जी पंचार्या, भवानी शंकर जी पंचार्या, रमेश जी खटोट जोशी, कैलाश जी पंचार्या, रघुवीर जी उपाध्याय, ये कोर कमिटी है जिनके नेतृत्व के अंदर यह जीजीपीएल 4 का टूर्नामेंट हो रहा है और हमें जिन्होंने सहयोग दिया है आयोजन समिति में जवाहरलाल जी नाबरिया, प्रेम जी जोशी, महावीर जी उपाध्याय, महेश जी उपाध्याय, गोपाल जी श्रोती और गौतम स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की पूरी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जिन्होंने सेवाएं दी है जल सेवा शिवाल परिवार गोठड़ा की तरफ से, चाय की सेवा यंग स्टार टीम की तरफ से, टॉस का बॉस दिनेश जी नाबरिया की तरफ से और साउंड की जो निःशुल्क सेवा दी है हमें सुरेश जी जोशी आरजे की साउंड सिस्टम की तरफ से, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समाज हित में अपना जो योगदान दिया है उसके लिए आप सभी का नमन करते हैं। दोनों टीमों के कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं। टॉस के बॉस दिनेश नाबरिया जहां कहीं भी है यहां पे आ जाए। दिनेश नाबरिया टॉस के बॉस, दोनों यहां पर आ जाए। कैलाश जी पंचार्या यहां पे आए। हमारे कोर कमिटी के प्रमुख सदस्य और युवक संघ सूरत के अध्यक्ष टॉस होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टॉस है। टॉस कराएंगे हमारे कैलाश जी पंचार्या। सिक्का उछालेंगे कैलाश जी पंचार्या और कॉल करेंगे मेघराज जाजड़ा। हेड कॉल किया गया और जो सर फाइटर ने टॉस जीते हैं पहले मुकाबले के लिए और बल्लेबाजी का निर्णय किया है, यानी जैसा फाइटर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। जोरदार तालियां हो गए दोनों टीमों के लिए। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है यह सेमीफाइनल का। आगे का हाल, आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर अजीज भाई के द्वारा। दोनों टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन को अभी अपडेट करा देवे। दोनों टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन को अभी अपडेट करा देवे। थैंक यू। व्हाइट का भी हिस्सा अंपायर शंकर गांधी की ओर से और व्हाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गौतम फाइटर्स 11 का एक रन। एसपी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। सूरत गेंदबाजी वहां पे लीथ और लाइन का होना बहुत ही जरूरी है और ये कार्य किया जा रहा है। एसपी की ओर से प्रकाश फिनिकर सबसे छोटे उम्र के फील्डर्स को शामिल किया जा रहा है। ही इज वेरी यंग मेंबर्स इन अवेलेबल इन यंग स्टार।
शॉर्ट स्क्वायर लेके दिशा में स्टोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गौतम फाइटर्स 11 का 2 रन। दीपक और राम अवतार की महत्वपूर्ण जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत है सीधे डीप इस पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फ्लरी ड्राइव जिसको कहा जाना चाहिए। दीपक के ऊपर बहुत बड़ी वैसे भी जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। पहले 80 रन बनाया गया यंगस्टर की ओर से क्वार्टर फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऊपरी क्रम वैसे भी बहुत ही मजबूत है। दूसरी ओर 5 नियमित गेंदबाज को भी शामिल किया जा रहा है यंगस्टर की ओर से। बहुत ही खूबसूरत शॉट को खेला इनसाइड आउट शॉट सीधे सेक्शन ओवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फट फुट पंच 4 रन के लिए 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 10 रन। इस बार डीबा फाइनल क्षेत्र में स्टॉक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए और खूबसूरत फील्डिंग वहां की गई है प्रकाश की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर शंकुर गांधी की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। सेमीफाइनल का टॉस हुआ जेसाना फाइटर्स 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले वासो इस बीच गेंदबाजी के ऊपर शॉर्ट सलमन के साथ के ऊपर बहुत ही यंग क्रिकेटर्स प्रकाश फाइनल क्षेत्र में स्टॉक को खेलने की कोशिश और जब तक इनको फील किया जाए डीप स्क्वायर लेके फील्डर विकेट कीपर की ओर से 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ गौतम फाइटर्स 11 का 13 रन। 13 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच बहुत ही फैलाई फील्ड है वासो की ओर से। एक बहुत ही कीमती गेंदबाज माने जाते हैं यंगस्टर के लिए। शो खेला जरूर था बल्लेबाज सी मेस फील्ड जरूर थी। दो रन इस बीच पूरे के बल्लेबाज की ओर से 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। ये आसान कैच गेंद जा रही है वहां सी पर कवर है कवर के फील्डर की ऊपर से गेंद 4 रन के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 19 रन। पारी का दूसरा ओवर चला है बहुत ही निर्णायक शुरुआत की जा रही है। जैसे वेरी एग्रेसिव स्टार्टिंग बाय बोथ ओपनर्स राम अवतार एंड दीपक। दीपक के लिए जो फील्ड है इस प्रकार एक फील्डर्स को अब शामिल किया जा रहा है डीपी कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। पिछली गेंद वैसे बिंदी फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से वासु गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है यंगस्टर के लिए। कैसे भी सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए सॉन्ग ऑफ की दिशा में स्टॉक को खेलकर 1 रन पूरा किया गया बल्लेबाज की ओर से 20 रन। राम अवतार इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे आउट स्विंग गेंदबाजी गेंदबाज की वासु की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था यंगस्टर का 18 रन। केवल 2 रन पीछे चल रही है
एक लंबे कद के गेंदबाज एसपी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है यंगस्टार के लिए कि कैसे भी ये सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए। इस खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जरूर था, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर डीबी पॉइंट के फील्डर की ओर से, जो दो फील्डर्स बाहर रखे गए हैं एसपी की ओर से, वो इस प्रकार एक डीपी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर और वाइड स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, कवर रन सर्कल के अंदर, शॉर्ट इज मिड ऑफ सर्कल के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीपी कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से और गेंद उनकी पहुंच के बाहर चार रन के लिए। सच इज अ ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय राम अवतार, लगातार बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेले जा रहा है दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से राम अवतार और दीपक। स्कोर जा पहुंचे 25 पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। और इस बार एक नो वेलनेस के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और ये सो नॉट आउट सिग्नल बाय स्क्वायर लेग अंपायर वीरल पटेल। छब्बीस रन, स्टंप को इस बीच सही किया गया है स्क्वायर लेग अंपायर वीरल पटेल की ओर से, इज बिलोंगिंग फ्रॉम बिंपोर। और इस बार प्रकाश की दिशा में स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे नन्हे मुन्ने की ओर से, जिसको कहा जाना चाहिए सच आउटस्टैंडिंग अमेजिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस इन डेट बाई प्रकाश। ये जो युवा है जो मतलब जो मंजिंग खिलाड़ी, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी है प्रकाश की ओर से, जो फील्डिंग उनकी ओर से की गई है, निश्चित तीन रन बचाए गए उनकी ओर से, सेव थ्री रन फॉर यंगस्टार। और इस बार ये हाथ में कैच है, इसका मतलब कैच ही है क्रिकेट में, फिर भागने की कोशिश की गई थी वहां पे, पीछे तैयार नहीं थे वहां। स्कोर पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 28-28 रन, 28 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी, 28 रन यूएस कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिप्लाई ऑफ 81 इन अलोटेड 12 ओवर क्वार्टर फाइनल। ये गैप में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, डाइविंग गैप पर जिसको कहा जाना चाहिए फील्डर की ओर से कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया जाए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर संकोर गांधी की ओर से, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29। फील्डर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, वहां पे प्रकाश फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर कि कोई शॉर्ट आर्म पुल या हुक स्ट्रोक खेली जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड पोजीशन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं, इज अ वेरी यंग एज मेंबर इज अवेलेबल इन यंग स्टार स्क्वाड। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 30 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करना और अच्छी फील्डिंग भी करना है अगर इस मैच में वापसी करना है यंगस्टार को। और इस बार और ये बहुत ही बेहतरीन कैच को लिया गया है, सच इज अ वंडरफुल कैच टेकर इन द एंड बाय शॉर्ट इज एक्स्ट्रा कवर रीजन एसपी। एक विकेट जरूर था वहां पे कि एक साझेदारी को तोड़ा जाए, रघु उपाध्याय इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, मैच वैसे अभी भी बना हुआ है जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन नहीं लिया जाए किसी भी टीम की ओर से। 30 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज दीपक, और दीपक के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर कप्तान रघुवीर उपाध्याय। उत्साह काफी ज्यादा बढ़ रहा है वहां पे यंगस्टर के फील्डिंग टीम की ओर से,
एसपी की ओर से जो फील है वही इस प्रकार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज राम अवतार के लिए एक शॉट लॉन्ग लेग, एक फील्डर को एसपी की ओर से भेजा जा रहा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सर्कल के अंदर दो फील्डर्स, इसको कहा तीन फील्डर्स। थर्टी टू 32 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। मैच वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर जा पहुंचा है। मैच इज गोइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज फॉर ईच अदर टीम इन फोर्थ क्वार्टर फाइनल इन एनके पटेल क्रिकेट ग्राउंड पेशान। तो इस बीच ये लगने वाला दूसरे विकेट का नुकसान है। पहले एसपी ने एक अच्छी कैच ली, वहां पे मैच को वापिस किया उन्होंने यंगस्टार के लिए। बत्तीस रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है बल्लेबाज राम अवतार के रूप में। सुखदेव और रघुवीर की जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर 32 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। अनिल की ओर से फील्डिंग की सजावट की जा रही है। मैच को जीतने के लिए 8 अच्छी गेंदें चाहिए यंगस्टार को, नीडेड 8 टॉप। और दूसरी ओर 8 ऐसी गेंदें चाहिए जिसके ऊपर छक्का लगा सके, ये भी है गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। मैच एकदम वाइड ओपन हो चुका है, मैच इज कंप्लीटली वाइड ओपन बिटवीन टू। वास्तव इस बीच गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही निर्णायक गेंदबाज और बहुत ही कंसिस्टेंट लेन के साथ गेंदबाजी की उन्होंने। और इस बार दूर हटकर स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, उससे ज्यादा जरूर है वहां जो जो विकेट लिया गया है गेंदबाज की ओर से। अच्छी फील्डिंग अब की जा रही है यंगस्टार की ओर से। इस बार डाउन तक राउंड को खेला बल्लेबाज ने सीधे वाइड इस लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और जब तक इनको फील किया जाए अनिल की ओर से, एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। ओवर की भी समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन 33 दो विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे भी समाज के बहुत ही अग्रणी पंक्ति के जो मेंबर्स भी आए हुए हैं, लेवल के एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है जीजीपीएल कमेटी की ओर से। जीजीपीएल 4 बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड एनके पटेल क्रिकेट ग्राउंड पेशान के ऊपर। ये बहुत ही बेहतरीन पंच सौ खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, एक्सीलेंट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। बल्लों के बीच को खेला गया वहां पे। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 37 पारी का, पांचवा ओवर चला है दो विकेट के नुकसान के ऊपर। सुखदेव को शामिल किया जा रहा है कप्तान की ओर से, कप्तान है नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रघुवीर उपाध्याय। इस बार बीती गेंद वहां गेंदबाज की ओर से, एक अच्छा कमबैक किया जा रहा है गेंदबाज अनिल की ओर से। एक फैलाई डिफेंसिव और ऑफेंसिव फील्ड जिसको कहा जाना चाहिए ऑफ साइड के क्षेत्र में।
और इस बार फ्री स्ट्रोक खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे जितेश की ओर से डीप स्क्वेयरिंग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जय थर्टी एट 38 रन पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। जो फील्ड हो इस प्रकार है अनिल की ओर से एक शॉटी सड़मेन में एक सिली मिला ऑफ उसके ठीक बाजू में शॉट एक्स्ट्रा कवर फिर भी सिंगल रन से नहीं रोक पाया बल्लेबाज को और ये रन चाहिए भी अब कि फिनिश टीम के ऊपर एक मानसिक दबाव का लाना है। बहुत ही दिग्गज कप्तान माने जाते हैं रघुवीर उपाध्याय। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 39 पारी का पांचवा ओवर चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्ले उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे केवल एक ही रन वहां पे निश्चित तीन रन बचाए गए हैं थ्री रन सेविंग बजरंग फील्डिंग कर रहे हैं बहुत ही चुस्त फील्डर्स माने जाते हैं। ही इज आउटस्टैंडिंग फील्डर्स एन यंग स्टार। ये प्रेजेंस ऑफ बाइन स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से और ये गेंद सीधी डीबी सेक्शन कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए तीन फील्डरों के बीच में से स्ट्रोक को खेला गया था रघुवीर की ओर से। सच इज अ वंडरफुल टाइमिंग बाय रघुवीर। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत जरूरी भी चीज है फील्डिंग टीम और बैटिंग टीम के लिए। इसके बाद का वैसे भी बहुत निर्णायक सेमीफाइनल मैच है नॉकआउट मैच नाबरिया वर्सेस जयसाना फाइटर्स के बीच। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज रवि कान ने संभाल रखी है। पहले उन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी अब गेंदबाजी की प्रमुख जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। 44 ये कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी शॉर्टी सर्डमिन के स्थान के ओवर से इसलिए जाएगा पूरी तरह से गेंदबाज रविकांत की ओर। रविकांत वैसे भी बहुत ही अव्वल दर्जे के गेंदबाज माने जाते हैं। और इस बार नीचे गेंद जरूर थी वहां पे पिछली दोनों गेंदें बिंदी फेंकी गई है गेंदबाज की ओर से मानसिक दबाव के घेरे में लिया जा रहा है सुखदेव जैसे टॉप क्लास बल्लेबाज को। और इस बार व्हाइट लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला जब तक इनको फील किया जाए अनिल की ओर से हाफ वे व्हाइट लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45-45 रन। कप्तान रघुवीर के लिए जो फील्ड सेट है वो इस प्रकार एक सिली मिड ऑफ है सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर उसके ठीक पीछे स्वीपर कवर और फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज में हल्का सा एक फंबल जरूर था गेंद हाथ में से छूट गई वहां पे और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46-46 रन। थोड़े से नाखुश जरूर है वहां पे रविकांत। खूबसूरत गेंदबाजी वहां रविकांत की ओर से पहली बार स्पिन आक्रमण शुरू किया जा रहा है यंगस्टर 11 के कप्तान की ओर से और बहुत ही वैसे भी बहुत ही बाहुस गेंदबाज माने जाते हैं रविकांत। इस बार फिर से बिंदी गेंद वहां रविकांत की ओर से ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46। अगर 6 ओवर की तुलनात्मक स्थिति देखी जाए यंगस्टर और गौतम फाइटर्स 11 के बीच तो यंगस्टर का स्कोर था 41 रन और गौतम फाइटर्स का स्कोर है 46 46 रन।
एकदम वैसे भी मिला जुला प्रदर्शन है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज अनिल ने संभाल रखी है। मिड विकेट के लिए समय स्टॉक को खेला बल्लेबाज रघुवीर ने जमीन के समानांतर, एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। सुखदेव और रघुवीर की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार खूबसूरत शो को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट के स्थान के ऊपर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। टेक्निकली वैसे भी बहुत ही साउंड बल्लेबाज माने जाते हैं बल्लेबाज सुखदेव। कई क्लासिकल स्ट्रोक खेले गए उनकी ओर से और रघुवीर की ओर से। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है 51। एक वैसे भी बहुत ही बड़ा गैप था वहां पे क्योंकि कवर को शामिल किया जाए डीपी ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर कोई भी फील्डर्स नहीं है। जो फील्ड है वो इस प्रकार है, एक गली उसके ठीक पीछे डीपी कवर। अब एक फील्डर्स को पीछे भेजा जा रहा है डीपी कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। पॉइंट एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर। हाँ खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, हर तरह की एक जो वैरायटी है गेंदबाज अनिल के पास उसका बखूबी प्रयोग किया जा रहा है उनकी ओर से। सच ही इज अ वेरी गुड बॉलर्स, अच्छी वापसी उनकी ओर से कष्टों के लिए। डीप इस पॉइंट डीप इस कवर मैच वैसे अभी भी बना हुआ है। मैच इज कंप्लीटली बैलेंस बिटवीन टू, स्कोर रुका हुआ 51। और ये कैच हो सकता है पॉसिबल फॉर द कैच, यस। नवरत्न फील्डिंग कराए थे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 51 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कई दौड़ गेंदे खेली गई बल्लेबाज सुखदेव की ओर से 51 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सातवां ओवर प्रगति के ऊपर, सेवंथ ओवर प्रोग्रेस। निरंजन इस विषय बल्लेबाजी के ऊपर ज्यादा कोशिश ये भी की जा रही है अनिल की ओर से और यंगस्टर की ओर से अधिक बिंदी गेंदे फेंकी जाए और मानसिक दबाव के घेरे में लिया जाए। डॉट बॉल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द फील्डिंग टीम और उसके बाद ये कार्य ये भी करना है कि अच्छी फील्डिंग भी की जाए और ये किया गया है नवरत्न की ओर से। श्रेय जरूर जा रहा है वहां पे तन की ओर से। रियल इज वेरी इंटेलिजेंट कैप्टनशिप बाय यंगस्टर। ये बार फाइनल क्षेत्र में स्टोक को खेला ने जो प्रकाश है उनकी ओर से फील किया गया। आज वैसे भी बहुत ही निर्णायक फीलिंग की गई है प्रकाश की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अंकुर गांधी की ओर से। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन जबकि सात ओवर की समाप्ति पर यंगस्टर का स्कोर था 51 रन 51। एकदम मिला जुला प्रदर्शन है, सिमिलर एग्जीबिशन बिटवीन टू एंड फर्स्ट सेवन ओवर। केवल एक रन आगे चल रही है गौतम फाइटर्स 11। मुकाबला वैसे भी बहुत ही रोचक होने की संभावना और वैसे भी बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच चल रहा है जीजीपीएल में। सिंगल रन नहीं रोकेंगे वहां पे और जब तक गेंद को फील किया जाए नवरत्न की ओर से वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 53 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक बार कष्टों जरूर खिलाया बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट के स्थान के ऊपर। एक ही रन है वहां पे, दूसरे रन की कोई वैसे चेष्टा भी नहीं की गई है रघुवीर की ओर से। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 54 54 रन। पारी का ये आठवां ओवर चल रहा है। हाँ खूबसूरत
मैच अभी भी बना हुआ है, अच्छी मेहनत की जा रही है यंगस्टर की ओर से। डीपी स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से, स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, क्लोजिंग फील्डर्स को भी शामिल किया जा रहा है रविकांत की ओर से। और ये बहुत ही बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला के बाद ने सीधे बाउंड्री लाइन के पास एक रन के लिए, और स्कोर एक रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 56 रन। चौबीस गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और 7 विकेट सुरक्षित है। कांटे का मुकाबला, 24 गेंदों पर 25 रन की जरूरत। गौतम फाइटर्स को पकड़ बनाकर रखिए मैच के अंदर दोनों टीमों ने। पलड़ा बराबर अभी तक, बासु तिवाड़ी कप्तान यंग स्टार के। ये नॉकआउट मुकाबले हैं अभी क्वार्टर फाइनल नंबर 4। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान दिया रघुवीर उपाध्याय ने। रघुवीर उपाध्याय कप्तान गौतम फाइटर्स के और बासु तिवाड़ी कप्तान यंग स्टार के, दोनों कप्तानों के बीच भी मुकाबला। अगली बॉल बासु की, अच्छी गेंद, सम्मान दिया सामने फील्डर नवरतन जिन्होंने शानदार कैच लिया था कुछ ही समय पहले। एक एक गेंद कीमती और एक एक रन कीमती, बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज बासु। उड़ाकर मार दिया है लघु रोकड़ा ने, यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और ये कमेंट्री बॉक्स में स्ट्रेट ड्राइव में शानदार चौका, दर्शनीय शॉट, क्लासिकल शॉट, बहुत कम शॉट ऐसे जीजीपीएल 4 में देखे गए जो भी लघु रोकड़ा ने मारा है, शानदार चौका। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान, और एक रन से संतुष्ट होंगे रघु रोकड़ा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी अगर सेमीफाइनल की रेस में बना रहना है तो। फिर से उठा के मारा है, वहां पर खिलाड़ी बजरंग मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट। पकड़ कर रखा है मैच को यंग स्टार के युवा खिलाड़ियों ने, मौका ज्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं। ये लेग साइड के अंदर बॉल, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा यंग स्टार के। ब्यूटीफुल टाइमिंग, शानदार शॉट इस मैच में फिर से लेकर आ गए रघुवीर उपाध्याय अपनी टीम को। नौर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। 68 रन इन जो आखिरी ओवर था उसके अंदर दो चौके लगातार मिले हैं इनको, और उससे अब पलड़ा गौतम फाइटर्स की ओर झुक गया है। और इस बार दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और गेंद जा रही है सीधी डीबी से नॉन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 72 रन।
एक बहुत ही उपयोगी साझेदारी की जा रही है दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से। रियल इज वेरी इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू फॉर दिस वेरी इंपोर्टेंट मैन इन जीजीबीएल फोर्थ क्वार्टर फाइनल हियर इन एनके क्रिकेट ग्राउंड भेसान। सो गेंद को रोका गया वहां पे। सो व्हाट इज द डिसीजन इज गिवन बाय अंकुर एंड विरल पटेल। एम्पायर अपने आप अपना निर्णय दे देंगे, उन्होंने दे दिया है तो देयर फॉल फील्ड पे लग जाए। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। सच एज आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस इंडीड। स्कोर इज बीच रुका हुआ 73 73 रन 73। निरंजन है नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। वैसे एक बहुत ही शानदार पारी खेली जा रही है कप्तान रघुवीर उपाध्याय की ओर से। और इस बार डाउन तक राउंड शो को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीबी से एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। और जब तक गेंद को फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है 74 74 रन। और ये देखना पड़ेगा वहां पे, ये निश्चित 6 रन है, स्ट्रोक सेफ स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। मैच एकदम बराबरी के ओवर जा पहुंचा है। मैच इज कंप्लीटली टाई नाउ। एक रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। वन रन नीडेड फॉर द विक्ट्री एंड एंटोनी मेगा क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल। सुपर, अब स्कोर बराबर हो चुका है। जीत के लिए एक रन की जरूरत। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी उसका मुकाबला गौतम स्पोर्ट्स के साथ होगा सेमीफाइनल के अंदर, जो कि इस सेमीफाइनल के बाद खेला जाएगा, जो भी नावरिया ब्रदर्स और जैसाना के बीच होने वाला है अगला मुकाबला। जिस बीच सामना करने के लिए तैयार कप्तान रघुवीर उपाध्याय। इट्स अ वेरी गोल्डन मोमेंट फॉर गौतम फाइटर्स। नीडेड वन रन एंड एंटर्ड इन द सेमीफाइनल इन जीजीपीएल 4। अब अनिल लेके आए हैं अपना ओवर। अब कुछ खास बचा नहीं है, मात्र औपचारिकता है बाकी। सिर्फ एक रन चाहिए रघु रोकड़ा स्ट्राइक पे। उठा के स्ट्रोक को खेला 4 रन। वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण बारी खेली जा रही है। रघुवीर उपाध्याय बहुत ही शानदार जबरदस्त जीत गौतम फाइटर्स की, और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है गौतम फाइटर्स ने, जिसका मुकाबला होगा गौतम स्पोर्ट्स के साथ। दोनों के नामों में गौतम मौजूद। अब देखते हैं सेमीफाइनल में गौतम जी का आशीर्वाद किसको मिलता है। दोनों टीमें जैसाना फाइटर और नावरिया ब्रदर्स के बीच अब ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार है। जैसाना फाइटर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो नावरिया ब्रदर्स के सभी फील्डर्स मैदान के अंदर इन हो जाएं और अपनी रणनीति बनाएं जब तक कि एम्पायर्स ड्रिंक्स करके आ रहे हैं, मतलब चाय पानी। श्री महर्षि गौतम गुदरगोड ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता जीजीपीएल 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के